परसों शाम को, वो बहुत ही निंदनीय है क्योंकि एक चिकित्सक के साथ जो इतनी दिन से चिकित्सा सेवाएं दे रहे 30-35 साल से इतने वरिष्ठ है, उनके साथ गन पॉइंट पे इस तरह का बंधक बनाकर अभद्र व्यवहार करना बहुत ही निंदापूर्ण है। और जो हम लोग यहाँ पर जो स्ट्राइक कर रहे हैं उसका हमारा मेन मोटो जो है, हमें सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि बिना सिक्योरिटी के बच्चे हॉस्टल में बहुत ही भयभीत है, रात में बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार के जो है उनके साथ गलत होने का डर हमेशा सता रहा है। नगर जिले में लगातार पिछले 48 घंटों से जो हड़ताल चल रही थी और मेडिकल कॉलेज के अंदर गहमा गहमी और बवाल मचा हुआ था, वो फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले थम चुका है। मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस तरीके से हड़ताल डॉक्टरों ने की थी और उसके बाद त्यागपत्र दे दिया था, उन त्यागपत्रों को भी अब डॉक्टरों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद वापस कर लिया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से डॉक्टरों को आश्वासन देकर के ये हड़ताल ख़त्म कराई है और उनके त्यागपत्र को वापस दिलाया है, क्या उनको वो सुरक्षा भी मुहैया करा पाएगा। पंकज मिश्रा, ETV भारत, अम्बेडकर नगर।